प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आरसीआई की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारा तीसरे पार्ट का अगला टॉपिक है वेग, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी। वेग को क्या बोलेंगे बेटा? वेलोसिटी इंग्लिश में। इसकी परिभाषा देखते हैं, तो परिभाषा को ध्यान से समझेंगे। परिभाषा है कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय या अपन कह सकते हैं कि किसी मैं तो इस परिभाषा को थोड़ा सा अगर अपन देखें तो कि कोई भी जो वस्तु है या किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। ठीक है, या अपन कह सकते हैं एकांक समय में तय किए गए विस्थापन, क्योंकि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? विस्थापन। तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन भी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है, उसको विस्थापन ही बोलेंगे। तो उसको उस वस्तु का क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो दिशा निश्चित है तो इसका मतलब विस्थापन आ गया। वेग कैसी राशि है बेटा? वेग एक सदिश राशि है। इसकी दिशा है तो वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, और आगे अपन देखें तो वेग का सूत्र क्या बन जाएगा? वेग का सूत्र बन जाएगा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय, या निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय, या फिर विस्थापन बटे समय। तो भाई वेग बराबर आ जाएगा निश्चित दिशा में दूरी बटे समय। तो निश्चित दिशा में दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन। तो वेग बराबर आ जाएगा विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन बटे समय। तो ये आपके पास आ गया वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो मात्रक लिख देते हैं इसका। तो वेग का एसआई पद्धति में मात्रक क्या आ जाएगा? एसआई पद्धति में मात्रक, और ये आपके पास आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सीजीएस पद्धति में लिखे तो वेग का सीजीएस पद्धति में, ये सीएस लिख दिया मैंने गलती से, सीजीएस है ये, सीजीएस पद्धति में मात्रक ये क्या आ जाएगा? सेमी सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वीमा लिखे तो वेग की वीमा क्या आ जाएगी बेटा? वेग की वीमा आपके पास आ जाएगी भाई दूरी के लिए L1, और समय नीचे है तो ऊपर जाएगा तो t-1 हो जाएगा, तो m0 L1 t-1। ठीक है, तो इस तरह से इसको अपन इसको लिख सकते हैं। अब प्रकार लिख लेते हैं। तो वेग के प्रकार, जैसे अपन ने चाल के प्रकार लिखे थे वैसे वेग के प्रकार आ जाएंगे। तो वेग के प्रकार लिखेंगे, पहला क्या आ जाएगा वेग के प्रकार में बेटा? वेग का पहला प्रकार है एक समान वेग, दूसरा आपके पास असमान या परिवर्तित वेग, और तीसरा आपके पास औसत वेग या माध्य वेग भी बोलते हैं इसको, और चौथा आपके पास आ जाएगा तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तो हम तीन पढ़ने वाले हैं। जो तात्क्षणिक वेग है इसको अपन नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तो पहला ले लेते हैं एक समान वेग। तो पहले हम लिख लेते हैं एक समान वेग को। तो एक समान वेग की परिभाषा देखते हैं, ठीक है, और फिर इसको सोल्व करते हैं। तो एक समान वेग की परिभाषा क्या हो जाएगी उसको समझते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट वो है एक समान वेग। एक समान वेग, इसकी परिभाषा को ध्यान से समझते हैं। जब कोई कण इस प्रकार गतिशील हो ताकि कण के वेग का परिमाण तथा दिशा दोनों एक ही हो, एक समान रहे, तब कण का वेग एक समान वेग कहलाता है। और यह कब संभव है? जब गति किस में हो? सरल रेखा में। ठीक है, जब गति सरल रेखा में होगी तो नियत वेग से गतिशील कोई वस्तु होगी तो वहाँ पर जो आपके पास वेग उत्पन्न होगा वो एक समान वेग होगा, और एक समान वेग में त्वरण क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है,
तो जब कोई कण इस प्रकार गतिशील हो ताकि कण के वेग का परिमाण और दिशा दोनों एक ही हो, और ऐसा तभी संभव है जब जो वस्तु है एक सरल रेखा में गति करती है, ठीक है, उसको बोलेंगे एक समान वेग। अगला देखिए, अरे ये क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब तक सरल रेखा में गति है तो एक समान वेग, ये सरल रेखा में गति बताई मैंने, तो ये इस तरह से सरल रेखा में होगा, तो एक दिशा भी निश्चित है उसकी, वेग का परिमाण भी निश्चित है, ठीक है। दूसरा देखिए, असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। असमान वेग किसको बोलेंगे, जब कोई कण इस प्रकार गतिशील हो ताकि कण के वेग का परिमाण तथा दिशा अथवा दोनों परिवर्तित हो, तब वेग का जो मान है वो असमान वेग के बराबर प्राप्त होता है। यानी कि यह जो विस्थापन है ये कैसी है, विस्थापन सदिश है, तो विस्थापन कम ज़्यादा या शून्य हो सकता है, तो इसका मतलब विस्थापन कम ज़्यादा शून्य कब होगा, जब दिशा बदलेगी। तो भाई जो भी गतिशील आपके पास कण है उसके वेग का परिमाण तथा दिशा या दोनों परिवर्तित होते हैं, तो असमान वेग। तीसरा ले लेते हैं, औसत वेग या माध्य वेग, जिसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो औसत वेग को देखो, तो औसत वेग का सूत्र क्या होता है, वी एवरेज, सदिश लगाया तो इसका मतलब वेग है, ठीक है। तो औसत वेग की परिभाषा क्या हो जाएगी, कुल विस्थापन बटे कुल समय, इन दोनों का अनुपात, तो आ जाएगा कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक है। तो वी एवरेज आपके पास आ जाएगा, वी एवरेज इज इक्वल टू डेल एक्स सदिश बटे डेल टी, कुल समय को डेल टी ले, डेल एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य अंतर दूरी का और समय में अंतर, ठीक है। यह आ जाएगा आपके पास औसत वेग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम औसत वेग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले, और अगर चाल की बात करें तो चाल में क्या होता है, सदिश नहीं लगता भी एवरेज के पास। तात्क्षणिक वेग को अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब ये तीन प्रकार है जैसे चाल के थे, इनको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। तात्क्षणिक वेग को नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करेंगे, चौथा जो प्रकार है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।